हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरो की तरफ से आने वाली बाइक हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 के बारे में। और इस बाइक में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो वो सब जानेंगे इस वीडियो में, और इसका प्राइसिंग क्या है वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे बाइक रिलेटेड वीडियोस आप लोग को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और ये वीडियो अगर लास्ट तक देखने के बाद पसंद आता है तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वो सब करने से पहले ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, और आइए जानते हैं ये बाइक में क्या कुछ नया है। तो अगर पहले से लुक्स वाइज देखेंगे तो लुक्स वाइज में भी बहुत कुछ चेंजेस है इस बाइक में, फ्रंट से लेके बैक से लेके साइड से लेके सब जगह पे यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ अलग दिखेगा ही, जो पहले वाला मतलब BS4 वर्जन था उसके हिसाब से। तो फ्रंट से अगर देखेंगे तो जो हेडलाइट है यहाँ पे, जो हेडलाइट वाइजर है ये भी थोड़ा सा अलग है जो पहले वाला मॉडल मिलता था उसके हिसाब से। जो हेडलाइट है ये अभी भी कोई LED यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये अभी भी हैलोजन हेडलाइट ही है, लेकिन इसका जो लाइट आउटपुट है ये और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है पहले का वर्जन के मुकाबले, और ये देखने में भी थोड़ा सा अलग है। और इसके बाद अगर इसका जो इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर है उसको अगर देखेंगे तो जो साइड इंडिकेटर्स हैं इसका भी लुक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया है, और ये और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, मतलब ये टूटने का चांसेस और भी कम हो गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर देखेंगे तो अभी भी वही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिलता है। इंफॉर्मेशन बेसिक जो होते हैं, जो चाहिए होता है हम लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। हैंडल बार को अगर देखेंगे तो हैंडल बार भी वही सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सिंगल यूनिट एक बार हैंडल है यहाँ पे। फ्यूल टैंक को अगर देखेंगे तो फ्यूल टैंक में कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो चेंज किया गया है वो है बॉडी ग्राफिक्स। जो पहले वाला ग्राफिक्स मिलता था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक नई टाइप का ग्राफिक्स मिलेगा हर एक सुपर स्प्लेंडर बाइक के साथ। सीट को अगर देखेंगे तो ये सीट थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि ये अलग है एक्चुअली में, यहाँ पे कुशनिंग भी अलग किया गया है, और उसके साथ साथ जो कंफर्टेबल होगा ये बहुत ही ज़्यादा पिलियन राइडर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा वाइड भी है, ज़्यादा लंबा भी है ये सीट, तो उस हिसाब से ये भी एक अच्छा चीज़ है इस बाइक में। बैक सेक्शन में अगर देखेंगे जो टेल लाइट है वो भी अलग है, ये अभी भी हैलोजन लाइट ही मिलता है, लेकिन इसका जो लुक है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो सामने का अभी जो मिलता है वो अभी भी एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है, लेकिन ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ये थोड़ा सा लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू BS6 मॉडल। यहाँ पे 15 mm ज़्यादा एक जो ट्रैवल मिलता है एक्स्ट्रा, इसके कारण जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से। पीछे का अगर सस्पेंशन को देखेंगे तो यहाँ पे एक डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलता है, और ओवरऑल जो सस्पेंशन सेटअप है ये सॉफ्टर साइड में है, जो सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर टायर्स और व्हील की बात करें तो यहाँ पे एलॉय व्हील्स पहले से ही मिलता था, लेकिन जो नया है यहाँ पे वो है ये टायर्स अभी ट्यूबलेस टायर्स है, पहले मिलता था ट्यूब टायर्स, यहाँ पे MRF का टायर दिया गया है। और जो फ्रंट व्हील है, मतलब फ्रंट टायर है, उसका साइज़ है 80x100 सेक्शन टायर, और ये 18 इंच व्हील बेस के साथ आता है। पीछे का जो टायर है ये है 90x90 सेक्शन टायर, ये भी 18 इंच व्हील बेस के साथ आता है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो जो ब्रेकिंग यहाँ पे मिलेगा ये भी थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रम ब्रेक का भी ऑप्शन है, डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन आता है वो है सामने पीछे दोनों ही साइड में आप लोगों को मिलेगा एक 130 mm का ड्रम ब्रेक, और दूसरा जो वेरिएंट है, मतलब जो थोड़ा सा ऊपर का वेरिएंट है जिसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उस वेरिएंट में मिलेगा सामने की तरफ मिलेगा 240 सेक्शन का डिस्क ब्रेक, पीछे मिलेगा 130 का ड्रम ब्रेक। लेकिन अगर आपको लेना ही है तो आप डिस्क ब्रेक के तरफ जाइए, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन है। और इसके साथ साथ ये ब्रेक जो मिलेंगे, इसके साथ साथ जो अगर डिस्क ब्रेक भी लेंगे या फिर ड्रम ब्रेक भी लेंगे, यहाँ पे आप लोगों को IBS टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, जो बेसिकली जो CBS टेक्नोलॉजी मिलता है 125 cc के नीचे का बाइक में, वही यहाँ पे भी मिलेगा, मतलब ब्रेकिंग के मामले में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। और इसके बाद अगर एग्जॉस्ट को देखेंगे तो ये एग्जॉस्ट थोड़ा सा अलग लगेगा आप लोगों को, क्योंकि ये एक नया एग्जॉस्ट है, देखने में भी नया है, इसका जो साउंड होने वाला है वो भी थोड़ा सा अलग होगा। सामने की तरफ आप देख सकते हैं, मतलब जो एग्जॉस्ट का फ्रंट पार्ट है जहाँ जो इंजन से निकलता है, वहाँ पे एक कैटालिटिक कॉन्वर्टर भी दिया गया है, जिसके कारण ये BS6 है ये आप लोगों को पता चलेगा, और यहाँ पे मतलब जो पॉल्यूशन है ये थोड़ा सा कम होगा, इसके कारण साउंड भी थोड़ा सा कम होगा।
तो मेन पार्ट मतलब अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंजन है ये बाहर से ही लग रहा है कि ये एक अलग टाइप का इंजन है, क्योंकि पहले का जो इंजन मिलता था वो थोड़ा सा फ्लैट टाइप का इंजन था, जो फोटोज़ में आप देख सकते हैं। मतलब ये इंजन कुछ इस तरीके से था, फ्लैट था ग्राउंड के साथ, लेकिन अभी ये नॉर्मल टाइप का इंजन मिल रहा है। मतलब इसका जो इंजन हेड है ये ऊपर की तरफ है, जो बाकी सारे बाइक में मिलता है यही इस बाइक में भी मिलेगा। और ये जो इंजन है ये एक 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन भी मिल जाता है और ये BS6 कॉम्प्लाइंट भी है। और इस इंजन से जो पावर प्रोडक्शन होगा वो होगा 10.8 BHP और उसके साथ साथ 10.6 NM का टॉर्क मिलेगा। और ये पावर फिगर ठीक ठाक ही है इस बाइक के हिसाब से। और यहाँ पे और भी एक चीज़ नया है, जो यहाँ पे पहले मिलता था 4-speed गियरबॉक्स, लेकिन यहाँ पे अभी मिलेगा आप लोगों को 5-speed गियरबॉक्स। मतलब एक गियर होगा सामने की तरफ और बाकी जो 4 गियर्स हैं वो पीछे की तरफ होगा, जो बाकी सारे 150 cc के बाइक में या फिर कुछ कुछ 125 cc के बाइक में भी मिलता है, उसी टाइप का होगा ये गियरबॉक्स। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये बाइक का प्राइसिंग स्टार्ट होता है 67,000 रुपीज़ एक शोरूम से। और अगर आप डिस्क ब्रेक वेरियंट लेंगे तो वहाँ पर कुछ रुपये ज़्यादा भी देना होगा आप लोगों को, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्क ब्रेक वेरियंट ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये बाइक ऑलरेडी शोरूम्स में पहुंच गए हैं, मतलब आप अभी ये बाइक बुक कर सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये बाइक पसंद आया तो अभी आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो क्या करना है आप लोग जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।